हेलो केट्स होव यू ऑल होप यू ऑल आर वेरी फाइन एंड तो आज हम शुरू करेंगे जोग्राफी का चैप्टर नंबर सिक्स दैट इज़ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ सी बेटा एज द नेम इंडिकेट्स व्हाट इज़ नेचुरल वेजिटेशन नेचुरल वेजिटेशन होते हैं वो वेजिटेशन वो ग्रीनरी जिसको मतलब जिसमें हमारा कुछ योगदान ना हो दैट इज़ नेचुरली अवेलेबल मतलब खुद ही उगने वाले पेड़ पौधे खुद ही उगने वाली घास खुदी उगने वाले श्रब्स ग्रास लैंड ये सब नेचुरल वेजिटेशन में आता है ठीक है ना जो खुद ही कुदरत की देन होती है दैट इज़ नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ से मींस एनिमल्स नेचुरल वेजिटेशन में कौन कौन से एनिमल्स होते हैं ठीक है सो वील स्टार्ट द चैप्टर देर इज अ शॉर्ट स्टोरी इन बिटवीन Salima was excited about the summer camp she was attending. वो बहुत एक्साइट हो रखी थी एक समर कैंप अटेंड करने के लिए मनाली में शी एड गु विजिट मनाली इन हिमाचल प्रदेश अलॉन्ग विद हर क्लासमेट्स कहाँ ट्रिप जा रहा था उनका मनाली में शी रिकॉल्ड हाउस अपराइज शी वॉज टू सी द चेंजेज इन द लैंड फॉम एंड नेचुरल वेजिटेशन एज द बस क्लाइंब्ड हायर एंड हायर जैसे ही बस ऊपर ऊपर जा रही थी तो उसको क्या दिख रहा था कि सारे वेजिटेशन जो है जो लैंड फॉर्म्स हैं जो हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़े थे कि जो लैंड फॉर्म्स वगैरह वो कैसे चेंज हुए हैं आपने ये सब सिक्स क्लास में लैंडफॉर्म्स के टाइप्स भी पढ़ी होंगी तो वो आ, कैसे चेंज हो रहा है कैसे वेजिटेशन चेंज हो रहा है जैसे जैसे बस हमारी ऊपर जा रही है द डीप जंगल्स ऑफ द साल एंड टीक स्लोली पे साल और टीक के पेड़ होते थे वो नीचे रह गए अब आगे दूसरे तरह के माउंटेन में दूसरे हमें ट्रीज देखने को मिल रहे हैं शी कुड सी टॉल ट्रीज विद थिन पॉइंटेड लीव्स ऊंचे लंबे काफी हाइट के हाइटेड ट्रीज होते हैं पहाड़ियों पे वो उसको देखने को मिल रहे थे जिनकी पॉइंटेड लीव्स होती हैं ठीक है थीके? ऐसे जैसे क्रिसमस ट्री की होती है ना पॉइंटेड लीव्स वैसी लीव्स होती हैं एंड कौन शेप्ड कैनोपीज कैनोपीज बोलते हैं टॉप पार्ट ऑफ द ट्री जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है तो वो कैनोपीज़ की ऐसे कौन शेप्ड होती है वहाँ पे जैसे क्रिसमस का मैंने जो आपको बेस्ट एग्जांपल बोला है वैसा ट्री होता है शी नोटिस ब्लूम्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स ऑन टॉल ट्री और देखते थे कि कितने सारे सुंदर सुंदर तरह तरह के फ्लावर्स हैं उन ट्रीज़ पे ट्रीज़ पे भी इतने अच्छे अच्छे फ्ला दीज वर द रोडेंड्रंस उनको फ्लावर्स को बोलते हैं अब ये जो जितने भी फ्लावर्स के जो इनके क्या बोलते हैं ट्रीज़ के नेम्स आएंगे ना दैट यू कैन सर्च ऑन गूगल ऑल्सो तो आप अच्छे से उनको देख लोगे कि कौन सा कौन सा फ्लावर है कौन सा ट्री है ठीक है जिस जि, जो भी नाम इस चैप्टर में आएंगे यू शुड सी इट ऑन गूगल फ्रॉम मनाली एज शी वॉज ट्रैवलिंग अप टू रोहतांग पास शी सॉ दैट द लैंड वॉज कवर्ड विद शॉर्ट ग्रास एंड स्नो इन सम प्लेसेज मनाली से वो आगे और ऊंचाई की तरफ रोहतांग पास जहाँ पे पूरा स्नो रहता है वहाँ पे वो जा रही थी तो उसने देखा कि जो रस्ते हैं वो क्या हैं छोटी छोटी शॉर्ट ग्रासीज हैं वहाँ पे हा, कम हाइट की ग्रासीज़ हैं वहाँ पे और स्नो भी है काफ़ी सारे एरियाज में ठीक है सो फ्रॉम सलीमाज ऑब्जर्वेशन उसके ऑब्जर्वेशन से वी सरमराइज दैट देयर इज़ अ क्लोज़ रिलेशनशिप बिटवीन हाइट ऑफ लैंड एंड करेक्टर ऑफ वेजिटेशन रेस्ट्रू करेक्ट एकदम है ना देखो क्या है कि जो वेजिटेशन है और जो हाइट ऑफ जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ऑक्सीजन लेवल कम होता है ये आप सबको पता है ना तो वहाँ पर अलग अलग तरह का वहाँ पे वेजिटेशन हमें देखने को मिलता है तो इट इज़ इंटर रिलेटेड चेंज ऑफ वेजिटेशन लैंड ये सब इंटर रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से जैसे चेंज इन हाइट हुआ तो क्लाइमेट चेंज जो हुआ उसकी वजह से नेचुरल वेजिटेशन भी होगी के बारे में करेंगे इंपॉर्टेंट कि जो वेजिटेशन है जो ग्रीनरी है वो कैसे डेवलप होती है जहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है और मॉइस्चर होता है ठीक है उन पर डिपेंड करता है यानी बारिश भी चाहिए और गर्मी भी चाहिए ठीक है इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स लाइक स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सॉइल और सेकेंड फैक्टर ये हो गया कि स्लोप पे है हाइट्स पे है प्लेन पे है प्लेटूज पे है या फिर सॉइल uh, की फर्टिलिटी कैसी है थिकनेस कैसी है कौन सी काइंड ऑफ़ सॉइल इज़ अवेलेबल दे इस पर भी डिपेंड करता है द टाइप एंड थिकनेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन वेराइज फ्रॉम प्लेस टू ऑब्वियस है हर जगह की अलग तरह की वेजिटेशन हमें देखने को मिलेगी क्योंकि हर जगह क्लाइमेटिक कंडीशन फैक्टर्स जो हैं सर्वाइवल फैक्टर्स वो सब वेराय होते हैं

इनकी वजह से जो है डेंस यानी बहुत घने और फॉरेस्ट खुले खुले ही होते हैं तो वो फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट इज ग्रास लैंड ग्रास लैंड क्या होते हैं विच ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेन मतलब ना ज़्यादा बारिश ना कम बारिश जहाँ पे ओके okay ओके -okay बारिश होती है वहां पे हमें ग्रास लैंड्स देखने को मिलते हैं और श्रब्स क्या होते हैं छोटे छोटे जैसे बोलते हैं ना ग्रास होती है छोटी झाड़ियाँ जिनको हम बोलते हैं उनको हम श्रब्स कहते हैं पिक्चर में देखो दिखाए हुए सिक्स पॉइंट टू फिगर में तो वो श्रब्स क्या होती हैं थोनी श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन द ड्राई रीजन जहाँ पे सूखा होता है जैसे रेगिस्तान होता है वहाँ पे वेजिटेशन देखने को मिलती है, है? ठीक सलीमा वॉर शेयरिंग हर एक्सपीरियंस ऑफ हिमालयन ट्रिप विद हर फादर हर फादर विजिटेड वेरियस प्लेसेस इन द वर्ल्ड ही टोल्ड अबाउट हिज ऑब्जर्वेशन ऑफ द वैरायटी ऑफ वेजिटेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डिफरेंट ही तो उसके पापा जो हैं वो उसको उसको बता रहे होते हैं उनके अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में कि उन्होंने इतने डिफ़रेंट प्लेसेस वर्ल्ड में विज़िट किए हैं कि कहाँ पे कैसे कैसे उनको वेजिटेशन फॉरेस्ट बुशेस ट्रीज़ हार्ड वुड्स ये सब देखने को मिलता है ठीक है तो वो दे बोथ आर डिस्कसिंग ऑन द नेचुरल वेजिटेशन सलीमा रियलाइज दैट हिमालयाज हैव ऑलमोस्ट ऑल वेराइटी ऑफ वेजिटेशन इसको अंडरलाइन करेंगे उसने रियलाइज़ किया कि जो हिमालयस हैं जो पहाड़ है वहाँ पे सार हर तरह की वेजिटेशन देखने को मिलती है जो कि हमें इक्वेटर से पोलर रीजन की तरफ हम जाते हैं मतलब जो अलग अलग जगह पे हमें देखने को मिलती है ना वो सारी काइंड ऑफ ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ वेजिटेशन वी कैन फाउंड इन हिमालय द चेंजेस इन द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन अकर मेनली बिकॉज ऑफ ये मैंने पहले भी आपको बोला कि जो क्लाइमेटिकल कंडीशन चेंजेस होती हैं उसी पे हमारी वेजिटेशन के चेंजेस उसकी वेराइटी डिपेंड करती है लेट एस गो टू नो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द वर्ल्ड विद देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में हम पढ़ते हैं कि कौन सी हमें वर्ल्ड में कितनी तरह की वेजिटेशन हमें देखने को मिलती हैं फॉरेस्ट में देखो फॉरेस्ट के टाइप्स आगे बताए हुए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इनका सेकेंड नेम क्या है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इट कैन कम एज वन मार्क क्वेश्चन ठीक है बेटा दीज थिक फॉरेस्ट अकर इन द रीजन्स वेयर द इक्वेटर एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक्स तो ये इक्वेटर और ट्रॉपिक के वहाँ पर मिलते हैं हमें ऐसे थिक फॉरेस्ट होते हैं ठीक है इक्वेटर और ये सब ट्रॉपिक ये हमने पहले चैप्टर्स में स्टडी किया हुआ है इफ़ यू डू नॉट रिमेंबर देन यू कैन सी एंड वॉच दोज वीडियोज ऑल्सो मगर आप टेक्स्ट बुक में भी देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा दीज रीजन्स आर हॉट एंड रिसीव हैवी रेनफॉल यहाँ पे बहुत गर्मी होती है और काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है एज देयर इज़ नो पर्टिकुलर ड्राई सीजन यहाँ पर कोई ड्राई सीजन नहीं है द ट्रीज़ डू नॉट शेड देयर लीव्स ऑल टुगेदर तो वो जो पेड़ पौधे हैं वो एकदम से अपनी पत्तियाँ नहीं गिराते हैं तो ये रीज़न है कि इनको एवरग्रीन क्यों कहा जाता है अगर अब आपसे कोई पूछे मतलब मैं ही पूछूँ तो आप लोगों को पता होना चाहिए वाई दिस फॉरेस्ट आर कॉल्ड एवर बिकॉज देयर इज़ नो पर्टिकुलर ड्राई सीजन फॉर ट्रीज़ टू शेड देयर लीव्स ठीक है इसलिए इनको एवरग्रीन बोला एवरग्रीन का मतलब होता है सदा बहार द थिक कैन ये पिक्चर में दिखा रखा है आपको नीचे देखो एवरग्रीन फॉर कितना डेंस है कितना थिक है मतलब अंधेरा होता है यहाँ पे आपको यहाँ पे तो जो थिक कैनपीज मतलब यहाँ पे इतना अंधेरा होता है वी कैन नॉट गेट दैट सनलाइट इनमें वो भी पेनिट्रेट नहीं हो पाती है दे आर सो डेंसली यू नो बहुत डेंसली सिचुएटेड होते हैं ये सारे और देखो ये सब नेचुरल है इसमें कोई इंसान की कुछ ना उन्होंने वहाँ पे जाके बीज बोए हैं ना वहाँ पे खेती किए कि इतने बड़े बड़े प्लांट उगे ऑल दीज थिंग्स आर नेचुरल दैट इज दैट इज द रीजन दैट वी आर स्टडिंग नेचुरल वेजिटेशन है ना जो अपने आप उगने वाले हैं तो ये देखो इनमें आगे यही आया है द थिक कैनोपीज इतनी पास पास होती हैं कि इसमें इतनी जगह भी नहीं होती कि दे अलाउ सनलाइट टू पेनीट्रेट दिन के टाइम में भी वहाँ पे अंधेरा ही होता है और इसके एग्जाम्पल्स को कर लेंगे रोजवुड एबनी एंड महागोनी ये ट्रीज यहां ज्यादा देखने को मिलते हैं ओके okay? सो so, अब देखो ये डू यू नो वाला एक कॉलम देखो द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन ब्राजील इज सो इनस दैट इट इज लाइक द लंग्स ऑफ द अर्थ इसको हम क्या बोलते हैं लंग्स ऑफ द अर्थ ये इंपॉर्टेंट है किसको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पर ब्राजील में और नीचे भी एक डू यू नो देखो एनाकोंडा वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नेक कहाँ पे मिलता है हमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही मिलता है और ये कई सारे बड़े बड़े जानवरों को खा जाता है लाइक क्रोकोडाइल इवन ठीक है तो ये डू यू नो वाले पॉइंट्स भी हम वन मार्क में पूछ सकते हैं आपसे ट्रॉपिकल डेसीडुएस फॉरेस्ट डेसीडुएस फॉरेस्ट कौन से होते हैं द मॉनसून फॉरेस्ट फाउंड इन द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया कहाँ कहाँ मिलते हैं इंडिया में नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में और सेंट्रल अमेरिका में दीज रीजन एक्सपीरियंस सीजनल डेसीडेस मतलब वहाँ पे बसंत भी आती है और वो पतझड़ भी आता है ठीक है ना देखो ट्री शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन वो ये वहाँ मिलते हैं जहाँ पे सीजनल चेंजेस होते हैं तो गर्मी ड्राई सीजन में वो अपने पत्ते गिराते हैं द हार्डवुड ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट कौन कौन से एग्जाम्पल है साल टीक नीम एंड शीशम ठीक है हार्डवुड हार्डवुड ट्रीज़ आर एक्सट्रीमली यूजफुल और किस काम आती है इसकी लकड़ी फर्नीचर बनाने के देखो वो जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो कितने ग्रीन है और डेसी में देखो इतनी ग्रीनरी नहीं है है ये भी काफ़ी थिक और काफ़ी सारे है ना क्योंकि इनमें सीजनल शेडिंग ऑफ लीव्स होता है इसके पत्ते झड़ते और रुकते हैं दोबारा ठीक है ना सो so, क्या किस काम आती है फर्नीचर के ट्रांसपोर्ट और कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाने के और यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है वो कौन सी वाइल्ड लाइफ है टाइगर्स लायंस एलिफेंट्स लंगूर्स एंड मंकीज़ ठीक है ये सारे यहाँ पर मिलते हैं आगे देखेंगे टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट इसमें क्या है द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन द मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन इसका पिक्चर देखेंगे दे आर कॉमनली फाउंड अलोंग द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनें ईस्ट साइड पे हैं जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं ना जहाँ पे भी एशिया अफ्रीका में ये मिलते हैं उनके मैक्सिमम ईस्ट मार्जिन पे आते हैं जैसे साउथ ईस्ट यूएसए का साउथ uh, का चाइना uh, का साउथ पोर्शन एंड इन साउथ ईस्ट ब्राज़ील ब्राज़ील का साउथ ईस्ट में तो दे कम्प्राइज बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड तो वहाँ पे इनको हमें हार्ड लकड़ी भी मिलती है सॉफ्ट लकड़ी भी मिलती है और इसके एग्जाम्पल हैं ओक पाइन एंड यूकेलिप्टस ये सारे ट्रीज़ को ये आपका एक होमवर्क है सारे सर्च करेंगे गूगल पे इनके पिक्चर्स ना एक बार ज़रूर देखेंगे कि कौन सा ट्री कैसा दिखता है ओके okay, और ये पिक्चर्स में देखो टाइगर लंगूर और ये एलिफेंट्स दिखा रखे हैं जो कि हमें डेसीडुअस फॉरेस्ट में मिलते हैं ओके नाउ मूविंग ऑन टू टेम्परेट एसिडुअस फॉरेस्ट इसमें क्या है एज वी गो टूवर्ड्स हायर एल्टीट्यूड्स ऊंचाइयों की तरफ जब हम जाते हैं देयर आर मोर टेम्परेट एसिडुअस फॉरेस्ट दीज आर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए नॉर्थ ईस्ट में मिलते हैं ये वो साउथ ईस्ट में थे नॉर्थ ईस्ट में मिलते हैं यूएसए में चाइना में न्यूजीलैंड में शाइल में एंड ऑल्सो फाउंड इन द कोस्टल रीजन ऑफ वेस्टर्न यूरोप कोस्टल रीजन यानी समुद्र के किनारे वाली जगहों पे वेस्टर्न यूरोप में हमें ये देखने को मिलते हैं दे शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन ये भी अपने लीव्स को शेड करते हैं इनके एग्जाम्पल हैं ओक एश बीच और एनिमल्स कौन से वाइल्ड लाइफ कौन सी है वहाँ पे डियर फॉक्सिस वोल्फ्स ये सब मिलते हैं और बर्ड्स भी मिलती हैं फिजेंट्स मोनाल्स ये बर्ड्स वहाँ पर देखने को मिलते हैं पिक्चर 6.1 और 6.10 में आपको दिखा रखी हैं अच्छा अब ना अब मूविंग ऑन टू मेडिटेरियन वेजिटेशन देखो क्या है इसमें यू हैव लर्न दैट मोस्ट ऑफ द ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट इसमें कौन कौन सी हमें मिलती है टेम्परेट एवरग्रीन और डेसिड जिनके बारे में जस्ट अभी हमने स्टडी किया है वो फॉरेस्ट तो मेडिटेरनियन में क्या है द वेस्ट एंड द साउथ वेस्ट मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट आर डिफरेंट बिकॉज वो जो इक्वेटर वाली लाइन होती है वो बताया था गर्मी सर्दी पोलर रीजन्स तो उसकी वजह से इन सब के जो जो ह्यूमिडिटी है जो क्लाइमेट है वो चेंज है तो इनके कॉन्टिनेंट्स के वेस्ट और साउथ ईस्ट मार्जिन जो बॉर्डर्स हैं उनमें डिफरेंस है दे हैव मेडिटेरनियन वेजिटेशन इट इज़ मोस्टली फाउंड इन द एरिया अराउंड द मेडिटेनियन सी इन यूरोप अफ्रीका एंड एशिया तो इसी के लिए इसलिए इसका नाम मेडिटेरेनियन वेजिटेशन रखा गया उसी सी के आसपास ये हमें देखने को मिलती है दिस काइंड ऑफ वेजिटेशन इज आल्सो फाउंड आउटसाइड द एक्चुअल मेडिटेनियन रीजन इन कैलिफोर्निया इन यूएसए साउथ वेस्ट अफ्रीका साउथ ये देखो कैसे ये देखो एक पिक्चर दिखा रखा है ना? मेडिटेरियन रीजन में कैसा वेजिटेशन हमें देखने को मिलता है साउथ अमेरिका एंड साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में दीज रीजन आर मार्क्ड फॉर हॉट ड्राई समर एंड माइल्ड रेनी विंटर गर्मी बहुत होती है लेकिन जो बारिश है बहुत कम होती है माइल्ड होती है काफ़ी कम होती है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा किस चीज़ की वेजिटेशन हमें मिलती है खट्टे फ्रूट्स की सिट्रस चीज़ों की ऑरेंजेस फेग्स ऑलि एंड ग्रेप्स आर कॉमनली कल्टिवेटेड हेयर क्योंकि बिकॉज़ पीपल हैव रिमूव द नेचुरल वेजिटेशन इन ऑर्डर टू कल्टिवेट दे वॉट दे वॉन्ट टू लोगों ने वहाँ पर छेड़खानी करके जो खुद उनको ज़रूरत है वो चीज़ों की उन्होंने वहाँ पर वेजिटेशन ग्रो कर ली है ठीक है तो इसलिए वहां पे कोई वाइल्ड लाइफ नहीं है क्योंकि उसमें ह्यूमन इन्वॉल्व है ठीक है ना इसलिए वहां पे कोई वाइल्ड लाइफ नहीं है ये देखो इसमें ब्लू बॉक्स में हम देखेंगे पेज नंबर फोर्टी टू पे मेडिटेरियन ट्रीज एडेप टू ड्राई समर्स विद द हेल्प ऑफ देयर थिक पार्कस होती हैं उनकी एंड वैक्स कोटेड लीव्स होती हैं जो कि उनको विच हेल्प देम रिड्यूस ट्रांसपिरीशन एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट उनको ऑर्चर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है बिकॉज ऑफ द फ्रूट कल्टिवेशन जो कौन से फ्रूट मैंने बताए हैं आपको वहाँ पे सिट्रस फ्रूट्स की वजह से नाउ मूविंग ऑन टू कॉनिफरस फॉरेस्ट कॉनिफोरस फॉरेस्ट क्या होते हैं इन द हायर लेटिट्यूड फिफ्टी टू सेवेंटी डिग्री ऑफ दुलर कॉन्फ्रेस फॉरेस्ट देखो एक पे स्नो कवर है बी वाले पे और ए वाला देखो ग्रीन है पिक्चर में आप देखो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज टाइगर टाइगर इनको बोला जाता है दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो सीन इन दायर एल्टीट जितनी ऊंचाई पे जाते हैं ना हायर एल्टीट्यूड्स पे ये मिलते हैं हमें दीज आर द ट्रीज विथ सलीमा फाउंड इन द हिमालयस ये वो ट्रीज हैं जिसके बारे में सलीमा बात कर रही थी ना हिमालयस पे दे आर टॉल सॉफ्ट वुड एवरग्रीन ट्रीज द वुड ऑफ दीज ट्रीज आर वेरी यूजफुल फॉर मेकिंग पल्प विच इज़ यूज फॉर पेपर बनाना न्यूज प्रिंटिंग मैच बॉक्सिंग पैकिंग बॉक्सिंग इनसे इनकी लकड़ी का यूज किया जाता है छीर पाइन सिदार आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेराइटी ऑफ दीज फॉरेस्ट ये एग्जाम्पल्स हैं और वाइल्ड लाइफ में क्या देखने को मिलेगा हमें सिल्वर फॉक्स मिंक पॉलरबियर ये सब कॉमन एनिमल्स हैं वहाँ पे नौ ये तो हमने पढ़ा सारा बेटा फॉरेस्ट के बारे में टाइगर का मतलब क्या होता है देखो डूनो you know, में दे रखा है टाइगर मीन्स प्योर और अनटचड इन द रशियन लैंग्वेज और इनको हम टाइगर क्यों बोल रहे हैं बिकॉज दे आर सो टॉल हम उनको छू नहीं सकते हैं उनकी लीवस को हम हाथ ही नहीं लगा सकते दे आर सो टॉल इन हाइट दैट इज वाई दे आर कॉल्ड टाइगर ओके ये भी इंपॉर्टेंट है इट कैन ऑल्सो कम एज वन मार्क ठीक है ग्रास लैंड के बारे में अब हम देखेंगे अभी तक हम फॉरेस्ट का देख रहे थे नाउ मूविंग ऑन टू ग्रास लैंड ट्रॉपिकल ग्रास लैंड क्या है डीज अकर ऑन ईदर साइड ऑफ द इक्वेटर ऊपर नीचे नॉर्थ और जो इसका साउथ है दोनों साइड पे इक्वेटर की लाइन पे हमें ये ट्रॉपिकल ग्रास लैंड मिल सकते हैं दिस वेजिटेशन ग्रो इन द एरियाज ऑफ मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल जहाँ पे मॉडरेट यानी मीडियम और उससे कम रेनफॉल होती है वहाँ पे ये ग्रास लैंड हमें मिलती है जो ये द ग्रास कैन ग्रो वेरी टॉल तीन से चार मीटर की हाइट पे ग्रास होती है सवानहा ग्रासलैंड जो है अफ्रीका का ये इसका एक एग्जाम्पल है और इस ग्रासलैंड में जो वाइल्ड लाइफ है दैट इज एलिफेंट जिब्रा जिराफ्स डियर लेपर्ड्स ठीक है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के बारे में पिक्चर में आप देखेंगे सिक्स में

थॉर्नी बुशिज यानी कांटेदार झाड़ियाँ है ना दीज आर फाउंड इन द ड्राई डेजर्ट लाइक रीजन मैंने बताया था जैसे राजस्थान ये जो ऐसे ड्राई डिजर्ट वो होते हैं ना क्या बोलते हैं डेजर्ट रेगिस्तान जिसको हम बोलते हैं वहां पे मिलती है. पे हैं लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द वेस्ट साइड पे पड़ते हैं कॉन्टिनेंट्स के वहाँ पे मैक्सिमम ये देखने को मिलती हैं द वेजिटेशन कवर इज स्कर बिकॉज ऑफ स्कैंटी रेन एंड स्कॉर्चिंग हीट तो काफ़ी कम वेजिटेशन होती है स्कार्स मीन्स काफ़ी कम होती है क्योंकि यहाँ पर जो बारिश है वो भी कम और गर्मी बहुत ज्यादा है ठीक है तो आपको आइडेंटिफाई द डेजर्ट रीजन इन द वर्ल्ड मैप कैन यू नेम द ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया ढूंढ के रखेंगे नाम ऑफ ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया दिस इज योर होमवर्क आई लास्ट यू टुमारो नेम सम कॉमन एनिमल्स ऑफ द डेजर्ट विच यू हैव लर्न दर्लियर तो एक कुछ एनिमल्स के बारे में भी बताएंगे कि डेजर्ट में कौन कौन से एनिमल्स आपको मिलते हैं इफ यू रीच द पोलर रीजन जहां पर सबसे ज्यादा ठंड होती है एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन जो होता है दैट इज पोलर रीजन द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज वेरी लिमिटेड हेयर बहुत कम है बिकॉज इट ग्रोज ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट समर दिस इज कॉल्ड टुंडरा टाइप ऑफ वेजिटेशन इसको हम बोलते हैं टुंडरा टाइप ऑफ वेजिटेशन दिस वेजिटेशन इज फाउंड इन द पोलर एरियाज ऑफ यूरोप एशिया

ठीक है तो सलीमाज़ फादर शोड हर सम फोटोग्राफ्स ऑफ थिक फॉरेस्ट इन सम ऑफ द फोटोग्राफ्स सलीमा ऑब्जर्व दैट पीपल वर कटिंग ट्रीज एंड क्लियरिंग द फॉरेस्ट तो उसने पूछा तो उसके पापा ने बोला कि पीपल वॉन्टेड देयर लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड सेटलमेंट क्योंकि ह्यूमन डिमांड हो जाती है ये तो ये सब इसलिए फॉरेस्ट को हटा रहे हैं ताकि वो लोग वहाँ पे रह सकें तो ये सारा डिस्कशन उसने अपने फादर के साथ किया बट यू नो इन शॉर्ट वी नीड ट्रीज टू ब्रीद ठीक है ना सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए है ट्रीज़ यहाँ पे होना तो जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है उनके लिए भी वी शुड सेव ट्रीज अच्छा डू यू नो मैं एक देखेंगे ग्रास आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट रीजन्स ट्रॉपिकल ग्रास ईस्ट अफ्रीका में सवाना बोलते हैं ब्राजील में कैम्पोस वेन्जुला में लानस टेम्परेट ग्रास जो ट्रॉपिकल ग्रास के तीन एग्जाम्पल फिर टेम्परेट में अर्जेंटीना में पेम्पास नॉर्थ अमेरिका में प्रेरी साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड एंड कॉन्टिनेंट्स ऑफ एशिया में स्टेपी बोलते हैं और ऑस्ट्रेलिया में डाउन बोलते हैं इनको ग्रास को ठीक है ये भी इंपॉर्टेंट है ऐसे थोड़ा हमें पता होना चाहिए इसके बारे में सो दैट इज़ इट इन द चैप्टर टुमारो वैन देयर विल बी लाइव क्लास देन यू कैन आस्क योर डाउट टू मी एंड इफ द थिंग्स आर क्लियर टू टू यू दैट इज़ वेरी गुड होप यू विल स्टडी एंड लिसन द वीडियो केयरफुली ऑल द वेरी बेस्ट हैव अ